वबरकातुह। प्यारे बच्चों, मैं तस्नीम बानो शफीक अहमद। प्यारे बच्चों, आपको ये मालूम हो चुका है कि हम मौसम के लिहाज से अलग अलग किस्मों के लिबास का इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं कि हमारा मुल्क भारत एक वसी मुल्क है, यहाँ अलग अलग रियासतें हैं और अलग अलग रस्म रिवाज के लोग होते हैं। इस बिना पर यहाँ के लोगों के लिबास में भी यकसानियत नहीं होती, यानी ये अलग अलग किस्मों के लिबास पहनते हैं। मसलन मर्द कमीज पाजामा धोती लुंगी पैंट शर्ट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह मर्द हजरात सर पर टोपी कारचोबी शमला पगड़ी और अमामा वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह यहाँ हमारे मुल्क की औरतें और लड़कियाँ अलग अलग किस्म के लिबास का इस्तेमाल करती हैं। मसलन साड़ी कमीज शर्ट पैंट शलवार फ्रॉक और अलग अलग किस्म के लिबास। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि यहाँ अलग अलग तहजीब के लोग रहते हैं, यहाँ तहजीबी रंगारंगी पाई जाती है, यानी अलग अलग मजहब के लोग होते हैं। इस बिना पर इनके त्योहार और तकारीफ भी जुदा जुदा होते हैं। ये लोग त्योहार और तकारीफ पर सजते संवरते हैं, मुख्तलिफ किस्मों के लिबास का इस्तेमाल करते हैं। कई लोग अपने रिवायती लिबास इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी पसंद के अलग अलग किस्मों के लिबास का इस्तेमाल करते हैं और त्योहार और तकारीफ पर सजते संवरते हैं। प्यारे बच्चों, जिस तरह लिबास जुदा जुदा होते हैं, तो अलग अलग किस्म के लिबास को लिबास का तनव्वो कहते हैं। तनव्वो के माने ही दरअसल मुख्तलिफ होना है, यानी इख्तलाफ होना है, यकसानियत नहीं होना है। तो प्यारे बच्चों, हमारे लिबास में तनव्वो हमारी पसंद की वजह से भी होता है, हम हमारी सहूलतों को देखते हुए भी लिबास में तनव्वो लाते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ पेशे के लोग और रस्म रिवाज के मुताबिक भी हमारे लिबास में तनव्वो पाया जाता है। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि पसंद सहूलत पेशे रस्म रिवाज हमारे लिबास के तनव्वो की वजूहात हैं।